हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई स्टूडेंट प्लेटफॉर्म। तो हम लोग BHU प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 75 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76, वो क्वेश्चन क्या है देखिए अच्छे से। C2BN BeO एंड LiF मॉलिक्यूल्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। ये मतलब इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, जो कि है 12, ठीक है। C2 में क्या है, 6 प्लस 6 12, BN में है 5 प्लस 7 12, ऐसे करके हर एक का जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो है 12। यहाँ पर ये बता दिया गया, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वाइटल एनर्जीज आर क्वाइट डिफरेंट, ठीक है। उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल एनर्जीज है, दे आर डिफरेंट। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ ए एंड बी ऑफ ए बी टाइप मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू लिथियम फ्लोराइड, ठीक है, LiF, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है, ठीक है, वो इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, इट इम्प्लाइज that the degree of overlap of the parent orbitals A and B, यानी कि जब हम लोग C2 molecule, that is C2, इसमें हम लोग के पास जो दो atomic orbitals होंगे वो सब किसके होंगे, carbon के, और दोनों carbon के बीच का electronegativity difference almost कितना हो जाएगा, delta electronegative difference almost zero हो जाएगा। तो ये लगभग same level पर lie करेंगे, और क्योंकि ये same level पर lie करेंगे इसीलिए इनके बीच का जो ओवरलैप है वो अच्छा होगा। मगर जैसे जैसे हम लोग इसमें चेंजेस करते जाएंगे, जैसे कि BN यानी कि बोरोन नाइट्रोजन, तो इसमें क्या होगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसका जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो लोअर लाई करेगा, लो लाई करेगा। सो यहाँ पर BN का सॉरी बोरोन का जो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल होगा वो हायर होगा और नाइट्रोजन का होगा वो लोअर होगा। तो जैसे यहाँ पर ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और तो यहाँ पर उस हिसाब से ओवरलैप जो होगा वो कम होगा। तो ऐसे करते करते जैसे C2 है, BN है, नेक्स्ट BeO होगा, BeO में BE का हाई होगा, हायर प्लेस्ड होगा, और ऑक्सीजन का और भी ज़्यादा लोअर होगा इन कंपेरिजन टू नाइट्रोजन एंड बोरॉन। यहाँ का ये जो डिफरेंस है, दिस गैप, दिस एनर्जी गैप विल बी वेरी मच हायर। और यही यदि हम लोग लिथियम एंड फ्लोरीन के बीच में लाएंगे, तो आपको पता है कि लिथियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो उसका ये एटॉमिक ऑर्बिटल और हायर एनर्जी में होगा, वाइल जो फ्लोरीन है इट इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इसका ये बहुत ही लो लाइंग होगा। तो इस हिसाब से हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो लिथियम और फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होगा, उनका जो डिग्री ऑफ ओवरलैप होगा वो सबसे कम होगा, ठीक है। तो उस तरीके से यदि हम लोग इसमें देखें, तो इसमें क्या होगा, इट इम्प्लाइज दैट द डिग्री ऑफ ओवरलैप ऑफ पेरेंट ऑर्बिटल, ठीक है। मतलब जैसे जैसे हम लोग जैसे जैसे इनके बीच का ये डिफरेंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ऑर्बिटल का एनर्जीज का जो डिफरेंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, इनके बीच का जो ओवरलैप है वो डिक्रीज करता रहेगा। सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। एंड ये सब किस लिए हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट, फॉर अ गिवन लिगेंड द ऑर्डर ऑफ मेटल आयंस प्रोड्यूसिंग इंक्रीजिंग 10 DQ वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज ए 10 DQ और डेल्टा ओ is A for a given and for a given metal ion the order of ligands producing increasing 10 dq value for octahedral complexes is B। तो यहाँ पर आपको बताना है कि A और B क्या है, क्या वो constant है या एक change करेगा, एक constant रहेगा या दोनों change करेगा। तो इसमें क्या है, इसको अच्छे से देखिए, थोड़ा सा इसमें conceptual बात है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर, ठीक है, कोई भी मेटल आयन है
उसका जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर है, उसका जो ऑर्डर होगा, ठीक है, फॉर लिगेंड्स का, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कांस्टेंट होता है। यानी कि ये जो 10 DQ है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ठीक है, तो इसका जो पावर होता है, मतलब स्प्लिट करने, ये जैसा स्प्लिट करेगा, ठीक है, तो ये एट अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट, सपोज M+2 या फिर M2+ या फिर M3+, एक कोई पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो ऑर्डर ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पावर होगा वो कॉन्स्टेंट होगा फॉर अ गिवन लिगेंड। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक लिगेंड आपको दे दिया गया है, तो एक जो स्पेसिफिक लिगेंड होता है उसके लिए तो ये कॉन्स्टेंट ही होता है ना, ये चेंज तो नहीं करता है ना, मतलब ये जो इसका जो स्प्लिटिंग है ये ऐसे ही रहेगा, है ना, ये एकदम अचानक से ऐसा ऐसा कुछ तो नहीं चेंज हो सकता है, तो ये कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ए का, ए जो है, ए वाला टर्म ये है हम लोगों का कॉन्स्टेंट। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली यदि एक मेटल आयन हम लोग के पास गिवन है, ठीक है, फॉर अ गिवन मेटल आयन, द ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स प्रोड्यूसिंग 10 DQ वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑल्सो कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जो बी होगा, बी भी क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट लिगेंड्स टुवर्ड्स पर्टिकुलर मेटल आयन इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ये जो मतलब 10 DQ का जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, दोनों ही केसेस में। नेक्स्ट, इन Li3N, ठीक है, Li3N एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन इज प्रेजेंट एज ए एंड बी, देन Li+ ion पिकअप। ठीक है, द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फॉर द फॉलोइंग, यहाँ पर ए और बी आपको बताना, सिंपल है, बहुत सिंपल है, Li3N, ठीक है ना, Li3N। अब आपको क्या पता है कि लिथियम यूजुअली एग्जिस्ट्स एज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, Li+ होता है, Li+ के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो यदि हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करें, इसको हम लोग मानते हैं x, ठीक है, सो x +3 × +1 = 0, तो x हो जाएगा आपके पास -3, यानी कि ये नाइट्रोजन है, दिस एग्जिस्ट्स एज N3-, ठीक है, तो हम लोग का जो a होगा, ठीक है, a क्या होगा हम लोगों के पास, N3-, दिस इज N3-, ये नहीं, N3 ऊपर में माइनस नहीं, N के पावर में 3- है, ठीक है, ये वाला जो फॉर्म है ये वाला नहीं होगा, इसमें से मे बी आपको कन्फ्यूजन हो जाए उस टाइम एग्जाम के टाइम पर प्रेशर के कारण, ठीक है, पर इस पर नहीं कन्फ्यूज होना है, N3- होगा, ओके, सो दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड आउट एंड दिस ऑप्शन इज कैंसल्ड आउट। अब बोल रहा है कि ये N3-, ठीक है, दिस इज ग्रेटर देन Li+ या लेस देन Li+, ठीक है, इसका साइज आपको बताना है, ठीक है, N3- और Li+, पहले तो हम लोग इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या उसका शेल्स देख लेते हैं, ठीक है ना, लिथियम प्लस और है नाइट्रोजन 3-, ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली नाइट्रोजन के पास होते हैं कितने, 7 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो नाइट्रोजन 3-, यानी इसके पास होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 7 प्रोटॉन्स होंगे, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए मगर 7 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पीरियोडिक टेबल याद कीजिए, क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, यानी कि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, इसके पास होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन और 3 प्रोटॉन, और सर ये लिथियम यदि होगा, यदि केवल ये लिथियम हुआ तो, अब यदि ये लिथियम प्लस हो जाता तो इसके पास कितने बचते, 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन, यानी कि मैं यदि इसको और अच्छे से आपको बताऊं तो क्या है, इसमें ये जो हम लोग का लिथियम है इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा है, मतलब इसके पास बस एक शेल है, ठीक है, इसके पास बस एक शेल है, ये उसका सपोज न्यूक्लियस है, तो इसके बाद इसके पास एक शेल है, ठीक है, ये
सपोज कीजिए उसका न्यूक्लियस है, ओके सिम। यदि हम लोग यहाँ पर नाइट्रोजन का बात करें, इसके पास क्या है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि 2 और 8, तो इसके पास दो शेल हो जाएंगे, N3-। सबसे पहले उसका एक न्यूक्लियस आ गया, उसके पास एक शेल और उसके पास एक और शेल आ गया। तो क्योंकि नाइट्रोजन में दो शेल प्रेजेंट है, इसीलिए नाइट्रोजन जो ये N3- है, इसका साइज बड़ा है Li+ से। अच्छा, यदि सपोज कीजिए कि लिथियम के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है और नाइट्रोजन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, यदि ऐसा है हाइपोथेटिकल कोई केस होता, तो उस समय भी हम लोग बोलते कि मतलब यदि सपोज ऐसा है कि मे बी सोडियम प्लस, ठीक है, यदि हम लोग सोडियम प्लस और नाइट्रोजन N3- को कंपेयर करते हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, मगर इसके पास 11 प्रोटॉन्स है, इसके पास 7 ही प्रोटॉन्स है, तो इसमें क्या हो जाता है, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है सोडियम के केस में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को और ज़्यादा स्ट्रांगली पुल करेगा, इनवर्ड पुल करेगा, जिसके कारण इसका साइज छोटा हो जाता, छोटा होता है Na+ का। मगर इसमें क्या है कि प्रोटॉन्स कम है, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स आपस में रिपेल करते रहेंगे, लेस अट्रैक्टेड होंगे, इसीलिए इसका साइज ज़्यादा होता है, ठीक है, यदि हम लोग इन दोनों का कंपेरिजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। इसमें क्या बताया गया है, द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है, शो अ शार्प ड्रॉप एट Fe2+, यानी कि 3d6 आयन, ठीक है, क्या कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, द रीजन फॉर द ड्रॉप इज ड्यू टू, ठीक है, द रीजन फॉर द ड्रॉप इज ड्यू टू। यहाँ पर आपको क्या देखना है, सबसे पहले ये जो Fe2+, ठीक है, हम लोग को देखना है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, है ना, तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या रहता है, Fe से हम लोग जाएंगे Fe+, Fe+ से हम लोग जाएंगे Fe2+, Fe2+ से हम लोग जाएंगे Fe3+, ठीक है, तो सबसे पहले ये क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा Ie1, ये आपके पास क्या हो जाएगा Ie2, ये आपके पास क्या हो जाएगा Ie3। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये वाला बहुत ही लो है, मतलब कंपेरेबली ये लो है, शार्प ड्रॉप, ठीक है, ये लो क्यों है, इसका आपको रीजन बताना है। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं, ये क्या है आपको पता है d6s2, ये क्या होगा d6s1, ये क्या होगा d6, और ये क्या होगा d5, इसको ध्यान से देखिए, d5 है, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, डी सबशेल में आपके पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, ये आपके हो गए 5। यहाँ पर आपको d5 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, ये आपका क्या है एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जो कि होता है बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, और क्योंकि ये स्टेबल होता है इसीलिए कोई भी मेटल इसको अचीव करना चाहेगा, बहुत जल्दी से अचीव करना चाहेगा, दैट्स वाई इसका जो आई होता है आयनाइजेशन एनर्जी वो लो होता है। मगर यदि आप इसको फर्दर आयनाइज करना चाहे, Fe3+ से आपको Fe4+ बनाना हो, तब क्या होगा, यही वाला जो Ie4 होगा दैट वुड बी वेरी मच हायर, तो ये वाला बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, कौन सा, ये Ie4, ठीक है, ये वाला जो है Ie4, ये वाला बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, सेम रीज़न, ठीक है, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो इसका जो हम लोग रीज़न लिखेंगे, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एनर्जी कॉज ड्यू टू पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ड्रॉप इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसमें क्या है, द प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं ये तो ऐसे ही गया, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Fe2+ आयंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ड्रॉप इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ड्रॉप हुआ है नहीं, वो तो बल्कि बढ़ गया है, ठीक है, तो ये तो एकदम रिवर्स बोल दिया है, तो बचा यही, इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एनर्जी कॉस्ट ड्यू टू पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यदि हम लोग यहाँ से पीछे आते हैं,
D6 कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, फिर से हम लोग यहाँ पर पांच ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और ये एक 6। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यदि आप सबको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर पेयरिंग हो रहा है। पेयरिंग के कारण यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी का एक्स्ट्रा यूज हो रहा है, जो कि यहाँ पर अब पेयरिंग एनर्जी नहीं है, नो पेयरिंग एनर्जी। इसके कारण इसमें इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कम है, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 1, यानी ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। फॉलोइंग टू इक्वेशंस आर गिवन, ठीक है, तो दो इक्वेशन हम लोग को दिया गया है, उसके बेसिस पर हम लोगों को सब कुछ बताना है, ओके। Na gives Na++E, यहाँ पर आपको इसका एंथैल्पी दिया गया। सिमिलरली Cl- gives Cl+E-, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका आपको एंथैल्पी दिया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये दोनों रिएक्शंस क्या डिपिक्ट करते हैं, ठीक, ये दोनों क्या डिपिक्ट करते हैं। ये देखिए, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो ये पहला वाला क्या डिपिक्ट कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है ना। ये जो Na है, Na ये आयोनाइज हो रहा है Na प्लस में, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आयोनाइज हो रहा है Na प्लस में, यहाँ पर इसका आयन फॉर्म हो रहा है, ठीक है। या इसमें से यदि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन हम लोग रिमूव करते जाते हैं, ठीक है ना, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट एक एक करके इंक्रीज करता जाता है। तो ये आपका क्या डिपिक्ट कर रहा है, आयोनाइजेशन एनर्जी। और इसे यदि आप सेकेंड रिएक्शन को देखें, यहाँ से देखिए क्या है, Cl माइनस, यानी कि ये Cl माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और वहां से ये कहाँ तक पहुंचा है, माइनस वन से ये कहाँ तक पहुंचा है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर भी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी इसको हम लोग आयोनाइज कर रहे हैं, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर निकाल रहे हैं, तो इसे भी हम लोग क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोरीन आयन। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा हम लोग का करेक्ट आंसर। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब होता, यदि ये क्या बनाता, Cl प्लस E माइनस गिव्स Cl माइनस, यदि ये बनाता तब इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बोल सकते थे, मगर इस केस में क्या हो रहा है, इसका रिवर्स हो रहा है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी प्रोसेस, यानी कि आयोनाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता था ना आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज फॉर्म्ड व्हेन बोथ एटम्स और ग्रुप्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सेम कार्बन, ठीक है, इसका आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, ठीक है। सपोज हम लोग के पास क्या प्रेजेंट है, CH3Cl, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, CH3Cl, इसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। यह है Cl, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन। अब यहाँ से हम लोग इसको ट्रीट करते हैं OH- के साथ, ठीक है ना। तो OH- क्या करेगा, यहाँ से देखिए, यह है OH- OH- क्या करेगा, वो जाकर एक प्रोटॉन को पकड़ लेगा और उसको लेकर भाग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा आपके पास, C, एक Cl है, एक हाइड्रोजन है, एक और हाइड्रोजन है, और एक आपके पास बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना, ये H+ के फॉर्म में चला गया है ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, Cl आपको पता है एक गुड लिविंग ग्रुप होता है, तो वो यहाँ से Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा, ठीक है, वो यहाँ से Cl- के फॉर्म में निकल जाएगा, और ये स्टेप होता है रेड डिटर्मिनिंग स्टेप, ठीक है, ये मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उतना कुछ काम का नहीं है, ओके। तो यहाँ पर जो हम लोग का फिर फाइनली प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखिए अच्छे से, ये हम लोग का कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ठीक है। इस समय कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब क्लोरीन माइनस चला गया है, ठीक है ना, यानी कि ये दो इलेक्ट्रॉन्स लेकर चला गया है। अब इसके पास कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स बचे कार्बन के पास, यानी कि 1, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, यानी कि कार्बन के ऊपर एक लोन पेयर आ गया है, जिसे हम लोग कैसा जानते हैं, ये है, इसे हम लोग इस फॉर्म में जानते हैं, दिस इज नोन एज कार्बीन, ठीक है, ये कार्बीन है, ठीक है। और ऐसे मतलब कार्बीन का फॉर्मेशन भी हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, मतलब एक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इधर से एक अच्छा लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा।
तो यदि कभी ऐसा होता है कि जो दो एटम्स है, ठीक है, मतलब एक ही कार्बन के दो एटम्स एक साथ लीव कर जाए, ठीक है, तब क्या फॉर्म होता है? कार्बीन फॉर्म होता है, ठीक है, कार्बीन फॉर्म होता है। सिमिलरली आप देख लेना कि कार्बोकैटायन कब फॉर्म होता है, कार्बोनायन कब फॉर्म होता है, कीटीन कब फॉर्म होता है, कीटीन होता क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, द स्टीरियोकेमिकल आउटकम ऑफ SN2 रिएक्शन ऑन एन ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट विल बी, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है SN, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा मे बी आपको घुमा करके ट्विस्ट करके थोड़ा इसका लैंग्वेज को इधर उधर करके आपको बताया गया है। स्टीरियोकेमिकल आउटकम कुछ नहीं है, मतलब कि SN2 रिएक्शन में होता क्या है, SN2 रिएक्शन में इन्वर्शन होता है ना। SN2 में क्या होता है, SN2 में होता है इन्वर्जन, ठीक है, और SN1 में क्या होता है, SN1 में आपका होता है रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर, ठीक है, रिटेंशन किसी में नहीं होता है, इसमें रेसमिक मिक्सचर फॉर्म होता है। अच्छा, तो SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए होगा ना, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तो वहां पर इस सब का कुछ इतना फर्क पड़ता नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सट्रेट के लिए क्या हो जाएगा, SN2 रिएक्शन है, सिंपली आंख बंद करके इन्वर्जन है, ठीक है। SN1 होता तो तभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर किया जा सकता था क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, द डेजिग्नेशन डी और एल बिफोर द नेम ऑफ मोनोसैकेराइड इंडिकेट्स, ठीक है, हम लोग लिखते हैं ना अक्सर, क्या लिखते हैं, जैसे कि ग्लूकोज को हम लोग को लिखना है तो डी ग्लूकोज लिखते हैं या फिर एल ग्लूकोज लिखते हैं, ठीक है। इसमें से हम लोग कंज्यूम कौन सा करते हैं, हम लोग यही कंज्यूम करते हैं डी ग्लूकोज, जैसे कि ग्लूकॉन डी वगैरह ऐसे हम लोग ये सब कंज्यूम करते हैं तो वो डी ग्लूकोज होता है, ठीक है, डी ग्लूकोज हम लोग कंज्यूम करते हैं, एल ग्लूकोज को हम लोग नहीं कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये जो होता है ये क्या इंडिकेट करता है, क्या ये लेंथ ऑफ द कार्बन चेन को इंडिकेट करता है या फिर क्या ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को रिप्रेजेंट करता है या फिर क्या ये द पोजिशन ऑफ ओएच ग्रुप ऑन द कार्बन चेन नेक्स्ट टू द प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप या फिर ये पोजिशन ऑफ कायरल एटम्स इन कार्बोहाइड्रेट कौन सा रिप्रेजेंट करता है। यदि आप ऐसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो ये ऐसे कुछ होगा मे बी, ठीक है, सी एच ओ यहाँ पर सी एच टू ओ एच, ठीक है, यदि इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर देखेंगे तो, ठीक है, उसमें छः कार्बन है, दो यहाँ पर चले गए, फिर एक दो तीन चार, ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि एक में इधर एच होगा, एक में इधर ओ एच होगा, ऐसे कर करके आता है। तो इसमें हम लोग को क्या देखना होता है, ये जो लास्ट कार्बन है जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, ये वाला क्या है, ये सिमेट्रिक है, इसमें तो सिमेट्रिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, ये जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, ठीक है, मतलब यहाँ से हम लोग यदि हम लोग नंबरिंग वन स्टार्ट करें यहाँ तक छः तक करें तो ये जो लास्ट एसिमेट्रिक कार्बन है इस पर ओएच ग्रुप कौन से पोजीशन पर है, क्या ये राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है, तो उस हिसाब से हम लोग इसे डी या एल नोमेनक्लेचर देते हैं। और ये किसके आधार पर, मतलब ये हम लोग ग्लिसरलडिहाइड को एक रेफरेंस के तौर पर मानकर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ये हम लोग OH ग्रुप का पोजीशन देखते हैं जो कि नेक्स्ट टू प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ये CH2OH है यानी कि ये एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप है, ओके, सो इसके करस्पॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, द SN2 मैकेनिज्म बेस्ट अप्लाइज टू द रिएक्शन बिटवीन, ठीक है, यदि हम लोग को SN2 मैकेनिज्म करवाना है उसके लिए हम लोग को कौन सा रिएक्शन करवाना हो, मतलब किस किस के बीच में यदि हम लोग रिएक्शन करवाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये आप सभी लोगों को पता है क्या, SN2 का जो ऑर्डर होता है दैट इज 1 डिग्री, मोर देन 2 डिग्री, मोर देन 3 डिग्री, तो ये एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए आप क्लोरोप्रोपेन और H2 के साथ क्या ही रिएक्शन हो रहा है, मिथेन एंड Cl2 रेच हाइड्रोजन कोई अच्छा लिविंग ग्रुप थोड़ी ना है, ये सब क्या क्या सब रिएक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2-chloro-2-methyl-propane, ठीक है, इसके साथ में भी हो सकता है, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, प्रोपेन बताया गया है 1, 2, 3, ठीक है, 2-chloro-2-methyl, एक यहाँ पर क्लोरीन है, एक यहाँ पर मिथाइल है, इसके साथ यदि हम लोग यहाँ पर
डाइल्यूट OH माइनस दे दे, ठीक है, तो क्या ये SN2 रिएक्शन देगा, मतलब साइमल्टेनियसली ये लीव करेगा? आंसर है नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये एक 3 डिग्री है, 3 डिग्री पर SN2 बहुत ही कम होता है, एकदम मिनिमम हो जाता है। अच्छा, तो ये वाला भी हम लोग का ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाता है, बचता यही वाला है, देख लेते हैं एक बार। 1 क्लोरोब्यूटेन, ब्यूटेन है यानी कि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, और ये क्लोरोन क्लोरीन है, ठीक है, 1 क्लोरो। तो इसके साथ यदि हम लोग NaOH ऐड करते हैं, ठीक है, एक्वस NaOH, मतलब ये भी OH माइनस के तौर पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये OH माइनस आकर इधर अटैक करेगा, यहाँ से ये क्लोरीन लीव कर जाएगा, तो ये एक SN2 के तौर पर प्रोसीड करेगा। ऑल राइट, ठीक है, तो ये एक SN2 रिएक्शन के तौर पर प्रोसीड करेगा, तो हम लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। अच्छा, तो आपने यहाँ पर मैं भी सोचा होगा कि ये क्यों प्रोसीड कर रहा है, ये तो नहीं प्रोसीड किया था, क्योंकि यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये जो हम लोग का क्लोरीन भैया है, ये किससे अटैच्ड है, ये 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, और 1 डिग्री के लिए तो SN2 बहुत ही शानदार, ठीक है, 1 डिग्री पर ही तो SN2 देता है, SN1 नहीं देता है, ठीक है ना। अच्छा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 85, लिस्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एसिडिटी, यानी कि इसमें हम लोग को निकालना है कौन ज़्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए एसिडिटी बेसिसिटी का जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको इसे कैसे टैकल करना है। यदि हम लोग के पास कोई भी एसिड है, सपोज HA, पहले तो हम लोग को इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा A-, मतलब यहाँ से हम लोग को इसका H+ को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, ये होगा हम लोग का एसिड, ये होगा उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी, इसका जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HA यानी जो हम लोग का एसिड है वो भी बढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इनका कॉन्जुगेट बेस निकाल के देख लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला है हम लोगों का क्या है, CH2, यहाँ पर F, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O-। नेक्स्ट है देखिए CH3, यानी कि इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर O-। नेक्स्ट है हम लोगों के पास CH3, यहाँ पर CH, यहाँ पर F, यहाँ पर O-। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर CH2, यहाँ पर O-, इधर क्लोरीन। अच्छा, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर हम लोग को ना क्या दिख रहा है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स, यानी कि इस पर क्या होगा, हम लोग को यूज करना पड़ेगा -I इफेक्ट, ठीक है। -I इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ही हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज को लेस कर देगा, इसको घटा देगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो फ्लोरीन भैया है, ये क्या है, देखिए ये यहाँ से खींचेगा, मगर यहाँ पर इफेक्ट कम हो जाएगा, यहाँ पर और कम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर बहुत कम हो जाएगा, पर यहाँ पर तो कोई फ्लोरीन ही नहीं है, तो इसका लिस्ट होगा, इसमें क्या होगा, फ्लोरीन इसमें ज्यादा पास में है, सो यहाँ पर -I इफेक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है। और इस पर क्या है, सो अभी तक हम लोग को क्या मिला, इसे यदि हम लोग 1, इसे हम लोग 2, यह है 3, यह है 4, तो अभी तक क्या है, क्या मिला हम लोग को, 1 is greater than 2, बट 1 से ज़्यादा कौन है, 3, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, क्लोरीन है फ्लोरीन के जगह, ठीक है, तो क्लोरीन तो विड्रॉ करेगा मगर कम करेगा, तो यहाँ पर आते आते बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। सो ये हम लोग को पता है क्या, 1 greater than 4, ठीक है, और कुछ नहीं होने से तो अच्छा है कि क्लोरीन हो, तो 4 greater than 2, यानी कि ओवरऑल हम लोग का ऑर्डर हो जाएगा 3 greater than 1 greater than 4 greater than 2, 3 1 4 2। सो ये है हम लोग का करेक्ट आंसर, बस ऐसे ही सिमिलर कंसेप्चुअली बस आपको इसे टैकल करना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 86, व्हेन हीटेड विद N-ब्यूटाइल लिथियम एट 100 डिग्री सी पिरिडीन फॉर्म्स, ठीक है, यदि हम लोग पिरिडीन को
हीट करेंगे किसके साथ, ब्यूटाइल लिथियम के साथ, ठीक है, एन ब्यूटाइल, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन आपको कैसा दिखेगा, पीरिडीन आपको सभी का उसका स्ट्रक्चर पता है, बेंजीन रिंग जैसा होता है, एक नाइट्रोजन से वो रिप्लेस कर देता है। इसके साथ यदि हम लोग क्या ऐड करते हैं, एन ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, और इसको हम लोग हीट करते हैं एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, ऑर्गेनोलिथियम का फॉर्मेशन होगा। तो ये इस इधर एक कार्बन लिथियम बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का होगा प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दिस इज फ्रॉम हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ठीक है, ये रिएक्शन हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का है, तो ये हम लोग का डिजायर्ड प्रोडक्ट है, ओके। सो यहाँ पर लिथियम का फॉर्मेशन होगा, ओके। नेक्स्ट, कन्वर्शन ऑफ साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइन टू कैप्रोलैक्टम कैन बी इफेक्टेड बाय, यदि हम लोग को साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम को किस पर किस में कन्वर्ट करना है कैप्रोलैक्टम, उसे हम लोग कौन से रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड कर सकते हैं, इज इट बैकमैन रिएक्शन या हॉफमैन रिएक्शन या क्लेजन रीअरेंजमेंट या क्लेजन कंडेंसेशन, किसके थ्रू हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, साइक्लोहेक्सानोन, ठीक है, सबसे पहले साइक्लोहेक्सानोन क्या होता है देख लेते हैं। यह हम लोग के पास साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर एक कीटोन आ गया तो साइक्लोहेक्सानोन, पर इसको हम लोग को क्या बनाना है, साइक्लोहेक्सानोन ऑक्साइम, ठीक है, ऑक्साइम बनाना है, यानी कि इस जो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम लोग को रिप्लेस करना है नाइट्रोजन से, ठीक है। तो इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ करवाएंगे, देखिए NH3OH, ठीक है, NH3OH के साथ हम लोग इसका रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, NH2OH, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या फॉर्म करेगा, यहां से क्या होगा, माइनस वाटर हो जाएगा, ठीक है, कौन कौन एलिमिनेट होंगे देखिए अच्छे से, ये यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से ये जो दो हाइड्रोजन है ये एलिमिनेट होंगे, यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, नाइट्रोजन और यहां पर OH। अब इसको हम लोग को किस पर कन्वर्ट करना है, कैप्रोलैक्टम, कैप्रोलैक्टम कैसे दिखता है, वो एक सेवन मेंबर रिंग टाइप का होता है, ठीक है ना, सॉरी कैप्रोलैक्टम कुछ इस तरीके का दिखेगा आपको, उसमें क्या होता है, रिंग के अंदर ही एक नाइट्रोजन ग्रुप अटैच हो जाता है और एक सेवन मेंबर रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक सेवन मेंबर रिंग का फॉर्मेशन दिखेगा और इधर क्या हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो ये हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्या, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर वन, ठीक है, बैकमैन रीअरेंजमेंट, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपको क्या बताना है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस इज, ठीक है, आपको इसका स्टेबिलिटी इनका कंपेयर करना है। तो स्टेबिलिटी हम लोग कैसे कंपेयर करेंगे, देखिए जब भी हम लोग को कुछ ऐसा क्वेश्चन दिखे, ठीक है, जहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लोग को चेक करना है उसमें कोई मीजोमेरिक इफेक्ट वगैरह है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो देखना है, जो कि इस केस पर हम लोग यूज करेंगे, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन, यानी कि हम लोग को यूज करना है अल्फा हाइड्रोजन का कंसेप्ट, ओके। तो किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ओके। सो यदि हम लोग ये वाला देखेंगे, ये है आपका कार्बन जो कार्बोकैटायन, ठीक है, और ये है आपका अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर कितने प्रेजेंट है, ओनली वन अल्फा हाइड्रोजन। सिमिलरली इस पर देखिए, ये है आपका जो कार्बोकैटायन, इस पर आपको दो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और दोनों में ही आपको दो दो करके अल्फा हाइड्रोजन है, तो यानी आपके पास चार अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा ये देखिए, ये आपका है कार्बोकैटायन, ये है आपका एक अल्फा कार्बन, ये है आपका एक अल्फा कार्बन, ये है आपका एक अल्फा कार्बन, तो इस पर दो, इस पर दो, इस पर तीन, यानी कि दो दो चार और ये तीन सात अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस पर देखिए, ये है आपका कार्बोकैटायन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर एक और यहाँ पर दो, यानी कि तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना। तो यदि आप वन लेंगे, वन में आपके पास है तीन अल्फा हाइड्रोजन, टू लेंगे, टू में आपके पास है सेवन अल्फा हाइड्रोजन, थ्री लेंगे, थ्री में आपके पास है फोर अल्फा हाइड्रोजन, और फोर लेंगे, फोर में आपके पास है वन अल्फा हाइड्रोजन।
और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जितना हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा उतना ही आपका जो स्टेबिलिटी होगा वो स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, टू ग्रेटर देन थ्री ग्रेटर देन वन ग्रेटर देन फोर, टू थ्री वन फोर, ठीक है। सो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑर्डर, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोगों का ऑर्डर। नेक्स्ट, बाई मोलिकुलर रिडक्शन ऑफ एसीटोन इन द प्रेजेंस ऑफ एम जी एमलगम यानी कि मैग्नीशियम एमलगम इन इथर गिव्स, ठीक है, तो ये क्या देगा आपको, ये मतलब थोड़ा सा आपको इसमें पता होना चाहिए तभी आप इसे शायद अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है ना। बाई मोलिकुलर रिडक्शन ऑफ एसीटोन, सबसे पहले आपको एसीटोन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। एसीटोन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक सी एस थ्री, एक सी डबल बॉन्डो और एक सी एस थ्री, सिंपल, वेरी सिंपल, है ना, द स्मॉलेस्ट कीटोन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, यदि हम लोग इसे मैग्नीशियम एमलगम यानी कि एम जी एच जी एमलगम, ठीक है, यदि मरकरी रहता है तो हम लोग इसे एमलगम बोलते हैं। नेक्स्ट, तो इस पर यदि हम लोग रिएक्ट करवाएं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन होता है कार्बन बॉन्ड, कार्बन यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ पर ओ एच, इस कार्बन पर भी यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ पर सी एस थ्री, यहाँ पर ओ एच, ठीक है। मगर आंसर में आपको इसका नाम दिया हुआ है, चलिए हम लोग इसका एक प्रॉपर नेमिंग देखते हैं क्या है इसका नाम, ठीक है। यहाँ पर आपको लॉन्गेस्ट चेन क्या दिख रहा है, देखिए ये यानी पर इसके पास आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिख रहा है एक डाईऑल, ठीक है, आपको यहाँ पर एक डाईऑल दिख रहा है ना। तो डाईऑल होगा तो ये वाला आपके पास क्या फॉर्म करेगा, प्रोपेन वन टू डाईऑल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म होगा, प्रोपेन वन टू डाईऑल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पिनाकोल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, ये जो आईपीसी नेमिंग है इस पर कुछ दिक्कत है, ठीक है, इसको मतलब ये प्रोपेनॉल प्रोपेन वन टू डाईऑल नहीं होगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर चार कार्बन है और दो मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो बस ये डाईऑल देखकर आप इसके तरफ जा सकते हैं, ठीक है। सर करेक्ट आंसर तो क्या होगा आपके पास, ये वो होगा 2.3 ब्यूट, ठीक है, ब्यूट और 2.3 डाईऑल, ठीक है। अच्छा यहाँ पर 2.3 डाईमिथाइल होगा, है ना, 2.3 डाईमिथाइल ब्यूट, 2.3 डाईऑल, ठीक है, ऐसा कुछ इसका नाम होगा, ओके। या फिर आप इसमें बोल सकते हैं कि ये क्या देता है आपको, पिनाकोल, ठीक है, ये भी आप इसमें बोल सकते हैं कि ये क्या देगा आपको, पिनाकोल देगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, ओके, सो क्वेश्चन नंबर 90 में देखिए ये इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट काइरल, सॉरी सिट्रल, ठीक है, यदि सिट्रल है, सिट्रल के केस में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है ना, ये आपको बताना है। द मॉलिक्यूल हैज टू डबल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ सिट्रल इज एसीटोन, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, पहले तो आपको सिट्रल का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना, सिट्रल का स्ट्रक्चर आपको याद ही होना चाहिए, इसमें वैसे ऐसा जिसमें कोई समझने का तो रूल है नहीं, ठीक है। तो सिट्रल का हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार, ओके, तो वो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पर ऐसा एक इधर डबल वन, एक इधर कीटोन, ठीक है, यहाँ पर एक सी एच थ्री, ओके, इधर आता है, फिर इधर ऐसे आ जाता है, सॉरी इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ, ठीक है, इधर आता है, इधर नीचे यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, इधर सी एच थ्री, इधर सी एच थ्री, ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है सिट्रल का, है ना। तो इसमें आपको क्या बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से रॉन्ग है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं,
रॉन्ग शेप, ठीक है, इसमें कई बार मिस्टेक हो जाता है, मुझसे कई बार मिस्टेक हो जाता है. मॉलिक्यूल हैज टू डबल बॉन्ड्स, क्या ये सही है? हाँ ये सही है, इसमें तो दो ही आपको डबल बॉन्ड दिख रहे हैं. एल्डिहाइड ग्रुप इज प्रेजेंट, हाँ ये एक एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाला एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, हाँ ये भी सही. वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ओजोनोलाइसिस ऑफ सिट्रल इज एसीटोन, चलिए इस पर बाद में चर्चा करते हैं. इट इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, क्या आपको ये ऑप्टिकली एक्टिव दिख रहा है? ऑप्टिकली एक्टिव मतलब इसमें कम से कम एक तो कायरल सेंटर होना चाहिए, कायरल सेंटर होगा तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है. तो ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी गया, ये भी गया, ये भी sp2 है, ये भी गया, ये भी sp2 है, ये भी गया, ये भी sp2 है, ये भी गया, ये sp3 है, ये sp3 है, मगर इस पर दो हाइड्रोजन है तो ये भी गया, इस पर भी दो हाइड्रोजन है, ये भी गया, ये sp3 है मगर इस पर तीन हाइड्रोजन है तो ये भी गया, ठीक है. मतलब चारों अलग अलग एटम्स होने चाहिए तभी वो कायरल होगा, ठीक है. सो और तभी वो ऑप्टिकली एक्टिव भी उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है. मतलब ऐसे कोई स्ट्रक्चर हुआ तो उस केस में मैं बता रहा हूँ. तो ये भी हम लोग का ये एक गलत स्टेटमेंट है, ठीक है, ये गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स है, यानी कि ये हम लोग का एक आंसर हो सकता है. अब देखते हैं यहाँ पर, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ओजोनोलिसिस ऑफ सिट्रल इज एसीटोन, क्या सिट्रल को यदि हम लोग ओजोनोलिसिस करें तो वहां से हम लोग को एसीटोन मिल सकता है? मिल सकता है, कैसे मैं बताता हूँ. आप इस पोर्शन का ओजोनोलिसिस कीजिए, इधर एक ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन, तो इस वाले पोर्शन से आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, ये और ये है हम लोग का एसीटोन, ठीक है, ये है एसीटोन. तो ये भी हम लोग का करेक्ट स्टेटमेंट है. तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ओके, ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटीन्स ऑन हीटिंग विद कंसेंट्रेटेड HNO3 प्रोड्यूस येलो कलर, दिस इज नोन एज, ठीक है ना. प्रोटीन्स को यदि हम लोग कंसेंट्रेटेड HNO3 में हीट करेंगे तो वहां पर एक येलो कलर आएगा. तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा. तो ये होता है ना निनहाइड्रिन टेस्ट, ठीक है, निनहाइड्रिन टेस्ट, जहां पर हम लोग एमिनो एसिड्स को जनरली हीट करते हैं, ठीक है, कंसेंट्रेटेड HNO3 डालकर, और वहां पर वो एक कलर शो करेगा, येल्लो कलर, ठीक है, या फिर ब्लू कलर, ठीक है. तो वो होता है निनहाइड्रिन टेस्ट, ठीक है. तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज निनहाइड्रिन टेस्ट. ओके, नेक्स्ट, द रिएजेंट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ठीक है. तो ओवरऑल आपको रिएक्शन क्या दिया है, देखिए CH3CO CH3, इसमें से आपको क्या किसमें कन्वर्ट होना है, CH3 बॉन्ड C, इधर CH3, इधर एक OH, इधर CH2, इधर CO, इधर CH3. तो ये देखकर आपको एक आइडिया लग रहा होगा, है ना, कि इस पर हम लोग को किसे यूज करना चाहिए, ठीक है. ये आपको कैसा दिख रहा है, देखिए एक ग्रुप आपका ये हो गया, दूसरा ग्रुप आपका ये हो गया. अब याद कीजिए यहाँ पर फिर हम लोग क्या डालते थे, डाइल्यूट एसिड, है ना, डाइल्यूट एसिड डालते थे, ठीक है. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज HCl, ठीक है. और ये कौन सा रिएक्शन है ये आप बताना, ठीक है, कौन सा रिएक्शन है. व्हेन हीटेड विद एसिटिक एनहाइड्राइड इन पिरिडिन सॉल्यूशन अल्फा एमिनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इन, ठीक है. तो ये सब आपको लगातार लगभग अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, ठीक है, मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स टाइप के चैप्टर, ये बायो मॉलिक्यूल्स नाम के चैप्टर से आपको कई सारे क्वेश्चन लगातार मिल रहे हैं. ओके, सो यहाँ पर बोल रहा है यदि हम लोग एसिडिक एनहाइड्राइड को पिरिडिन सॉल्यूशन में हीट करते हैं तो जो अल्फा एमिनो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना. ये पिरिडिन होता है बेसिक नेचर का, मतलब पिरिडिन को एक हम लोग बेस के तौर पर यूज कर सकते हैं, ठीक है. सो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्रिएट होगा, R, या आपका अल्फा अमीनो एसिड का ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पर आपका हो जाएगा COOH, यहाँ पर हम लोग देंगे अपना पिरिडिन, पिरिडिन आएगा तो वो हर एक से एक एक टुकड़ों एक्सट्रैक्ट करता रहेगा, ठीक है. तो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा, RCH, इधर है आपके पास NH-, इधर है आपके पास COO-, ठीक है. अब इधर आपके पास फिर क्या फॉर्म होगा, देखिए इस पर यदि हम लोग रिएक्शन करवाते हैं अपने इस प्रोडक्ट का,
अपने जो ये मॉलिक्यूल था है ना, तो वो क्या था देखिए अच्छे से, सी एच थ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यानी कि ये है हम लोग का एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस पर क्या होगा, ये नाइट्रोजन अटैक करेगा, ऑक्सीजन क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बेटर न्यूक्लियोफाइल है, ये यहाँ पर जाकर इसको अटैक करेगा, यहाँ से ये खुलेगा, फिर ये बंद हो जाएगा, तो ऑक्सीजन वापस इस पर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, सो ओवरऑल हम लोग को फिर प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है, आर बॉन्ड या का सी एच ये सी ओ माइनस, इधर आपका एन एच, ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ, ये आपका सी एच थ्री। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या फॉर्म होगा, ये वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, यानी ये है आपका ऑप्शन नंबर ए। कैसे है देखिए, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, बाद में इसमें आप प्रोटोन ऐड कर सकते हैं ना, प्रोटोन वर्कअप एसिड वर्कअप जो भी होता है, आर सी एच। ठीक है, ये वाला देखिए क्या है, एन एच सी ओ सी एच थ्री है ना, एन एच सी ओ सी एच थ्री, एन एच सी ओ सी एच थ्री, ये आपका क्या है, सी ओ एच, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर वन। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 93 तक हम लोग कर लिए, क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। गिव द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो आपको एक ऑर्गेनिक का एक रिएक्शन दिया गया है और आपको इसका प्रोडक्ट बताना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छे से बस देखिए क्या है इसमें, आपको पिरिडीन बताया गया है। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को पता होगा पिरिडीन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम के कारण ये ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाता है। ओके, और ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देता है। ठीक है, एट थ्री पोजिशन, ठीक है, एंड फाइव पोजिशन। ठीक है, यानी कि यदि आप इसको अच्छे से देखेंगे तो ये है हम लोगों का सबका प्यारा पिरिडीन। ठीक है, इसको यदि आप ट्रीट करते हैं किसके साथ, सी एच थ्री सी ओ सी एल के साथ, तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा सी ओ सी एच थ्री। ठीक है, ये इसका एसाइलेशन हो रहा है। ओके, ये आपका बन जाएगा प्रोडक्ट। अब इसका हम लोग को नाम देखना है, नाम क्या होगा, थ्री एसिटाइल पिरिडीन, वेरी सिंपल, टू और फोर पोजिशन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, इसका रीजन आप अच्छे से लिखिएगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज थ्री एसिटाइल पिरिडीन। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन रेट ऑफ फॉलोइंग बेंजाइल अल्कोहल विद एच बी आर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है कि ये ऐसा जब भी रिएक्शन होगा तो इसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग को क्या करना है कि कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है, जितना स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा उतना ही वो फास्ट रिएक्शन होगा, यदि कार्बोकैटायन लेस स्टेबल हुआ तो फिर वो रिएक्शन ही कंटिन्यू नहीं होगा, है ना, मे बी आप समझ रहे होंगे। ओके, सो यहाँ पर देखिए क्या क्या कार्बोकैटायन आपके पास फॉर्म होगा। ओके, सबसे पहले आप यदि इस पर देखें, ओके, यानी कि एक आपके पास पीएच है और एक सी एच टू प्लस, ये आपके पास बेंजाइल हो गया, सिंपल बेंजाइल। ओके, यहाँ पर क्या है, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, इसके पैरा पर आपके पास एनओ टू है और ये आपके पास एक और सी एच टू हो गया। नेक्स्ट इसमें क्या है देखिए, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पर एक सी एच टू प्लस है और इसके इधर पैरा पर क्या लगा हुआ है, ओ सी एच थ्री ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है देखिए, ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक पैरा पर सी एल है और इधर आपके पास सी एच टू प्लस है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस पर हम लोग को चेक करना है, देखिए ये क्या है आपका एकदम प्लेन या फिर नॉर्मल, ठीक है, यानी या फिर सिंपल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर देखिए क्या है, एनओ टू ग्रुप है, एनओ टू ग्रुप क्या करता है, माइनस एम एंड माइनस आई, ओ सी एस थ्री, ओ सी एस थ्री क्या करता है, माइनस आई करता है और प्लस एम करता है और इसमें प्लस एम डोमिनेट करता है। इस पर देखिए ये क्या कर रहा है,
ये कर सकता है माइनस एम और माइनस आई, मगर क्लोरीन के केस में माइनस आई डोमिनेट करता है, सॉरी क्लोरीन प्लस एम और माइनस आई, मगर इसमें माइनस आई डोमिनेट करता है ना। सो ओवरऑल यदि आप देखेंगे तो ये जो OCS3 है ये इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, मतलब ये डेफिशिएंट था इसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा बहुत दे देगा प्लस एम के तौर पर, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्टेबिलिटी का यदि आप ऑर्डर देखेंगे तो ये जो 3 है ना, ये है हम लोग के पास 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ठीक है। तो ये जो 3 है, ठीक है, ये 3 मोस्ट स्टेबल होगा, तो इसका रेट सबसे फास्ट होगा। ओके, सो ये 3, ये 3, ये 3, ठीक है, ये नहीं तो ये हम लोग काट देते। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए माइनस आई होगा तो इसका स्टेबिलिटी घट जाएगा, माइनस एम होगा तो इसका स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा। ओके, इसका स्टेबिलिटी सॉरी और भी घट जाएगा, क्योंकि इसमें माइनस एम भी है माइनस आई भी है, बहुत घट जाएगा। तो 3 के बाद क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपना नॉर्मल वाला, ठीक है ना, 3 के बाद 1, तो ये वाला भी कैंसिल आउट। ओके, अब देखिए थोड़ा घटेगा या ज़्यादा घटेगा, पहले तो थोड़ा घटेगा फिर ज़्यादा घटेगा, यानी कि 3142, 3142। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही करके हम लोगों को चेक करना, ठीक है। तो इसमें बस आपको ये याद रखना था कि इसमें आपको कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी देखना है, सिंपल बात है ना, क्योंकि ये जब रिएक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, पहले एक कार्बोकैटायन जनरेट होगा। ओके, नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ठीक है, ये फॉलोइंग रिएक्शन में मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर NBS है, NBS मतलब ये ब्रोमीन को देता है, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको देखिए एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, ये आपके पास है अपना सबका पैरा पिरिडीन मॉलिक्यूल, ठीक है, इसे आप एक बेंजीन के तरह भी मान सकते हैं। क्यों मैं ये बता रहा हूँ अभी बताता हूँ, ये आपका CH2, ये आपका CH2, ये आपका CH3। यदि आप इसे बेंजीन की तरफ मान रहे हैं तो ये आपका कौन सा पोजिशन होगा, बेंजाइलिक पोजिशन होगा। इस पे आप रिएक्ट करवा रहे हैं NBS, अब याद कीजिए हमने NBS कहाँ पढ़ते हैं, हम लोग फ्री रेडिकल के रिएक्शन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या आइडिया लग रहा है कि ये एक फ्री रेडिकल रिएक्शन होगा। ओके, और फ्री रेडिकल रिएक्शन कहाँ प्रीफर करते हैं, वो प्रीफर करते हैं एट बेंजाइलिक पोजिशन। तो यहाँ पर बेंजाइलिक पोजिशन पर ब्रोमिनेशन हो जाएगा। सो इधर क्या होगा, ये पिरिडीन है और यहाँ पर बेंजाइलिक पोजीशन पर इसका ब्रोमिनेशन हो जाएगा, यानी कि जो CH2 है यहाँ पर हो जाएगा CH, ये CH2, ये CH3, यहाँ पर इसका ब्रोमिनेशन हो जाएगा। तो ये हम लोग को मेजर प्रोडक्ट मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये बेंजाइलिक पोजीशन या एलाइलिक पोजीशन बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं फ्री रेडिकल के लिए, ठीक है। तो ये जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। इस पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज दैट ऑफ अल्फा टर्पिनियॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, या तो आपको पता होगा या तो आपको नहीं पता होगा, ठीक है। तो टर्पिनियॉल, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अल्फा टर्पिनियॉल, बीटा टर्पिनियॉल, ठीक है, ऐसे करके गामा टर्पिनियॉल, ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो इसमें यदि आप अच्छे से देखेंगे तो अल्फा टर्पिनियॉल का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का, हर एक में क्या होता है ऐसे एक साइक्लोहेक्सेन रिंग टाइप का स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज फॉर अल्फा टर्पिनियॉल। ओके, मे बी इस ईयर अल्फा टर्पिनियॉल का पूछा है तो नेक्स्ट ईयर में बीटा टर्पिनियॉल का पूछा, एंड दिस इज फॉर ऐसा टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा। ये स्ट्रक्चर सबको गूगल पर भी मिल जाएंगे, एंड दिस इज फॉर बीटा टर्पिनियॉल, और ये है आपका स्ट्रक्चर फॉर गामा टर्पिनियॉल। ये वाला यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये वाला स्ट्रक्चर होता है गामा टर्पिनियॉल का, और एक और स्ट्रक्चर होता है दैट इज फॉर डेल्टा टर्पिनियॉल, वो कुछ इस तरीके का होगा। सो दीज आर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो अल्फा, बीटा, गामा, तो इनमें स्लाइट डिफरेंसेस हैं। सो अल्फा टर्पिनियॉल का स्ट्रक्चर ये रहा, सो ऑप्शन नंबर 2
would be the correct answer. Next, the major product obtained on treatment of 2-bromobutane with alcoholic KOH. यानी कि 2-bromobutane, ब्यूटेन 4 कार्बन, इस पर 2 पोजीशन पर BR है, इसको हम लोग यदि ट्रीट करते हैं किसके साथ, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये आप सभी को पता है, यहाँ पर इसका एलिमिनेशन हो जाता है, मगर एलिमिनेशन होने के बाद वो क्या बनाएगा, सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन, 2-butanol, यदि 2-butanol हुआ तो दैट इज सब्स्टिट्यूशन, तो ये गया 1-butane, ये भी कुछ अजीब सा नाम है, दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, तो यहाँ पर एक इसका डबल बॉन्ड क्रिएट होगा बिकॉज यहाँ पर एलिमिनेशन होगा, तो या तो ये ट्रांस बनेगा या तो ये सिस बनेगा. सो फॉर अल्कोहलिक KOH द मेजर प्रोडक्ट इज ट्रांस. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ट्रांस टू ब्यूटीन, ऑप्शन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स हैव ई कॉन्फ़िगरेशन. ओके, सो ई एंड जेड नोमेंक्लेचर है यहाँ पर, ई जेड नोमेंक्लेचर, एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ. मे बी सपोज ये है आपका कार्बन, यहाँ से आपके पास 4 ग्रुप्स जुड़े हैं, ए बी सी एंड डी, और यहाँ पर भी आपके पास एक मे बी इट इज जी, सेंट्रल एटम जी यहाँ से आपका जुड़ा है, ए बी सी एंड डी. अब हम लोग को इसका प्रायोरिटी देखना है बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. तो यदि हम लोग यहाँ पर देखते हैं उसके बाद, सो यदि इसका प्रायोरिटी 1 है, इसका 2 है, यदि इसका 1 है, इसका 2 है, तो ये सेम मतलब 1-1 सेम साइड पर है, सो दिस इज जेड. एंड यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो ये मे बी सपोज ये 1 है, ये 2 है, और ये 2 है, ये 1 है, तो यहाँ पर ये अपोजिट पोजिशंस पर आ गया, तो दिस इज ई. इस तरीके से हम लोग प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं, तो ई जेड नोमेंक्लेचर ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं. तो इस पर यदि हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो आयोडीन है, ब्रोमीन है, तो आयोडीन को मिलेगा 1, ब्रोमीन को 2, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन को मिलेगा 1, ब्रोमीन को 2, तो ये ऑपोजिट में है, यानी कि ये आपका हो गया ई. सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन को 1 मिलेगा, हाइड्रोजन को 2, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन को 1 मिलेगा, फ्लोरीन को 2, तो ये सेम साइड पर है, सो दिस इज जेड. अच्छा, यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक ब्रोमीन है, एक कार्बन ग्रुप है CH2, ब्रोमीन को 1, कार्बन को 2, यहाँ पर एक CH3 है, और यहाँ पर CH2CH3 है, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे तो एक CH3, यानी कि ये एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, दूसरा है CH2CH3, यानी कि कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और तीसरा वाला CH3 ग्रुप है, तो ये हाइड्रोजन के जगह CH3 ग्रुप है, यानी कि हाइड्रोजन के जगह कार्बन है, सो दिस इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, सो ये आपका जाएगा 1, दिस इज 2, तो ये भी अपोजिट में है, अपोजिट में है, यानी कि दिस इज ऑल्सो ई. सो ई कॉन्फिगरेशन का कौन कौन से हुए, फर्स्ट एंड थर्ड. ओके, ये थर्ड है, 1, 2, 3, फर्स्ट एंड थर्ड. सो द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर 2, 1 एंड 3. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100. के क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, रैपिड इंटरकन्वर्शन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इन एक्वस सॉल्यूशन इज नोन एज. जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वहां पर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज ये इंटर कन्वर्ट होते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन. एक म्यूटा रोटेशन टर्म है. सो ये जो इंटर कन्वर्शन होता है इसको हम लोग नाम देते हैं म्यूटा रोटेशन. सो द करेक्ट आंसर इज म्यूटा रोटेशन. इसी के साथ आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इन्वर्शन क्या होता है, रिस्माइजेशन क्या होता है, एंड एपिमराइजेशन क्या होता है. एपिमराइजेशन यानी कि एपिमर का फॉर्मेशन, दूसरा वाला एपिमर फॉर्मेशन होगा. रेस्मिजेशन यानी कि रेस्मिक मिक्सचर. इन्वर्शन यानी कि इन्वर्टेड फॉर्म होगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 100 तक कवर अप कर दिया है. सो इसके बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाई.